शेरनी की तरह दहाड़ना क्या होता है, कोई कंगना रनौत से सीखे। जी हाँ, कंगना रनौत पहुंच चुकी है मुंबई और उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ये पता था कि कई विरोधों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग उनके सपोर्ट में थे, कई लोग उनके विरोध में खड़े थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी सुरक्षा के चलते उन्हें फ्रंट गेट से नहीं बैक गेट से निकाला गया, एग्जिट किया गया और कंगना रनौत को ससुरक्षित उनको अपने घर पहुंचा दिया गया। लेकिन अब जो नई बहस शुरू हुई है वो ये है कि विद इन 24 आवर्स में दो नोटिस लगाकर उनके ऑफिस को जिस तरह, यानी बांद्रा वाली ऑफिस को, कंगना रनौत के बांद्रा वाली ऑफिस को जिस तरह से तोड़ा गया है वो इनलीगल है। बीएमसी किसी को 24 घंटे का मोहलत देती है, लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत के केस में बीएमसी ने उनकी 24 घंटे की मोहलत को पूरा होने नहीं दिया। जब वो फ्लाइट में ही थी तभी उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया और सामानों को नुकसान पहुंचाया गया और अब कंगना रनौत को लेकर एक अभियान, एक मुहिम चल पड़ी है। पूरा देश उनके साथ है, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे पीछे रहती। आइए हम बताते हैं कि कंगना के जो सपोर्ट में है कौन कौन सामने आया है। कंगना के सपोर्ट में सामने आई है भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस आम्रपाली, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और जितने भी हीरोज हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, सभी कंगना रनौत के सपोर्ट में हैं। सभी ने, रितेश पांडे ने तो इसे फाशीवाद कहा है और ये कहा है कि एक लड़की के साथ इस तरह का जो अन्याय हो रहा है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, इस तरह की उम्मीद नहीं है। बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे मैसेजेस कंगना के सपोर्ट में हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें सपोर्ट कंगना रनौत ज़रूर लिखेगा, क्योंकि कंगना को ज़रूरत है इस वक्त हमारे सपोर्ट की। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।